मध्य प्रदेश में क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के भी पैसे लगते हैं? जी हाँ साहब, रिपोर्ट चाहिए तो पैसे लेकर आइए। कुछ ऐसा ही मामला एमपी के उमरिया में सामने आया है, जहां लोकायुक्त की टीम ने एक ऐसे सरकारी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो फरियादी को पीएम रिपोर्ट देने के बदले पैसे मांग रहा था। कहां का है पूरा मामला और कितने की मांगी थी डॉक्टर ने रिश्वत, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ आकाश। दरअसल अजब एमपी का ये मामला उमरिया के मानपुर का है, जहां मानपुर के शासकीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर राजेंद्र मांझी द्वारा फरियादी से पीएम रिपोर्ट बनाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जिस पर फरियादी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की, क्योंकि पहले भी इस तरीके की शिकायतें लोकायुक्त को इस क्षेत्र से मिली थी। यही कारण है कि लोकायुक्त की टीम ने पूरा ट्रैप लगाकर यानी जाल बिछाकर पहले फरियादी को पहली किस्त के साथ डॉक्टर के पास पहुंचाया और जैसे ही डॉक्टर ने रिश्वत ली उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता वीरेंद्र यादव ने शिकायत की थी कि उसका भतीजा जो है बाली यादव, उसकी तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई है, जिसका पीएम डॉक्टर राजेंद्र मांझी ने किया है। और डॉक्टर मांझी अब पीएम रिपोर्ट देने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। इस बात का सत्यापन पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त ने करवाया था, जिसमें ये बात सही पाई गई कि पैसा मांग रहा है रिश्वत अवैध रूप से। उसका सत्यापन के बाद आज एक कार्रवाई की गई तो 3,000 रुपये डॉक्टर राजेंद्र मांझी द्वारा लेते हुए रंगे हाथ ट्रेप किया गया है, कार्यवाही की जा रही है। खास बात यह भी है कि लंबे समय से लोकायुक्त को पीएम रिपोर्ट के लिए रिश्वत लेने की लिखित शिकायतें मिल रही थी, लेकिन जैसे ही इस बार फरियादी लोकायुक्त के पास पहुंचा तो किसी को भनक ना लगे इसलिए लोकायुक्त की दीवान टीम ने 12 सदस्यीय अफसरों की टीम बनाकर मानपुर पहुंची और रिश्वतखोर डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त पुलिस अब आरोपी डॉक्टर से अन्य जो पीएम रिपोर्ट के संबंध में भी पूछताछ कर रही है और कितने लोगों से डॉक्टर ने पैसे लिए हैं और पीएम रिपोर्ट दी है, क्योंकि लोकायुक्त को ये भी शंका है कि कहीं पैसों के लालच में डॉक्टर ने पैसे देने वालों के हिसाब से तो पीएम रिपोर्ट बनाकर नहीं दे दी। यही कारण है कि ये पूरा मामला पीएम रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि लोकायुक्त की जो टीम है हर मामले की बारीकी से जाँच कर रही है। ऐसे में इंतजार अब इस बात का है कि जाँच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट।